गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर से कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। चलिए देखते हैं। अब तो बच्चों, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ब्रिक की। ये देखिए, ये ब्रिक की पिक्चर है और इसमें हमको इसके थ्री फेस दिखाई दे रहे हैं। नंबर वन ये, टू और ऊपर वाला ये थ्री। तो थ्री फेस हमको दिख रहे हैं। और इसी ब्रिक का एक पिक्चर ये भी है और जिसमें केवल हमको एक ही फेस दिखाई दे रहा है। और ये कौन से वाला होगा? ऊपर के अकॉर्डिंग नंबर थ्री वाला, ठीक है ना। तो उसी ब्रिक का पिक्चर है और उसको हम अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं, तो इस तरह से हमको फेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट वाले पिक्चर में तीनों फेस दिख रहे हैं, थ्री फेस दिख रहे हैं, और सेकेंड वाली में केवल एक ही फेस उसका हमको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम है, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे ये है, हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। एक ब्रिक में कितने फेस होते हैं, है ना। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिक का शेप है क्यूबॉइड और आप जानते हैं क्यूबॉइड में सिक्स फेस होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सिक्स। इज एनी फेस अ स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कोई फेस स्क्वायर है? अब इस ब्रिक में तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा नो, नो फेस इज अ स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। अब ये जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाली पिक्चर है, उसमें स्मॉलेस्ट फेस कौन सा है? हम इस वाली पिक्चर में, ऊपर वाली में। तो यहाँ पर थ्री फेस दिखाई दे रहे हैं, वन टू थ्री। तो इसमें जो वन वाला फेस है वो छोटा है, तो उसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लेंगे आप, एक छोटा रेक्टेंगल बनाना है आपको, ठीक है ना, इस तरह से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं आप, ये वाला। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। अब हमको देखना है, अभी हमने ऊपर ब्रिक का पिक्चर ऑब्जर्व किया तो वो क्यूबॉइड शेप की होती है, और इन पिक्चर्स में से हमको देखना है कि कौन सा फेस ब्रिक का होता है। तो ये वाला तो नहीं है, ऐसा तो फेस हमको नहीं दिखता, ये भी नहीं है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। और ये वाला हमको स्क्वायर लग रहा, तो स्क्वायर फेस कोई नहीं है, नो लिखा था, तो ये भी नहीं है, ये इस तरह का फेस भी नहीं है, ट्रायंगुलर फेस भी नहीं है ब्रिक का, और ना ही ये हेक्सागोनल है, हाँ ये वाला हो सकता है, ठीक है ना, जो अभी हमने ऊपर ड्रॉ भी किया था। तो हमको ये दो पिक्चर हैं जो ब्रिक के फेस दिख रहे हैं हमको, इस पर हमने टिक लगा दिया, बाकी में क्रॉस हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, टिक करना है। अब ये देखिए, तो सिलेंडर का शेप है फर्स्ट वाला, तो ये तो ब्रिक का फेस ना तो फेस है और ना ही ये ब्रिक की ड्राइंग है, हाँ हम ये हो सकता है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ये भी नहीं है, ये ट्रायंगुलर वाला हो गया, ये भी नहीं है, ये हो सकती है, इसको टिक लगा दिया। और ये हमको क्यूब दिख रहा है ना, तो क्यूब वाली ब्रिक है ही नहीं, क्यूबॉइड शेप की है। तो दो जो हैं ये ब्रिक का पिक्चर हो सकती हैं, इस पर हमने टिक लगा दिया है, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या करना है, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस। अब एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसमें थ्री फेस हों ब्रिक वाली, है ना। तो आप ये वाली भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ब्रिक का शेप बनाना है आपको, है ना, ड्राइंग बनानी है जिसमें थ्री फेस आपको दिखाने हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये आपको ड्राइंग खुद बनानी है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शो फोर ऑफ इट्स फेसेस। तो ऐसी कोई ब्रिक बना सकते हैं जिसमें चार फेस दिखाई दें, फोर फेस दिखाई दें ब्रिक के? तो ऐसी तो नहीं बन सकती है, मैक्सिमम हम थ्री फेस दिखा सकते हैं ब्रिक के, ठीक है चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये कुछ पैटर्न हैं, वॉल पैटर्न, है ना। तो जैसे कि हमने फ्लोर पैटर्न देखे थे, अब वॉल भी तो ब्रिक से बनती है, तो ये एक पैटर्न है वॉल का, इस तरह से भी बना सकते हैं,
ये एक पैटर्न है बॉल का, है ना। तो ये क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। हम किसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं पैटर्न का वॉल में, तो हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका नहीं करते हैं, तो ये वाली स्ट्रांग नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे भी कुछ वॉल पैटर्न हैं, यहाँ पर कुछ वॉल पैटर्न है, ये वाला है, यहाँ पर ये है ना। हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, और इन्हीं में नीचे को अच्छा बना दिया गया, सुंदर बना दिया गया। तो हमको मैच करना है कौन सा वॉल पैटर्न किससे मैच होता है ना, तो हमको देखना है। तो लगता है ये वाला तो इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो सेकंड वाला पैटर्न है, ये भी हमको मैच करना है ना। तो ये वाला इससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। आपको ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करना है। और इसमें क्या है, एक लाइन तो इस तरह से बिछी हुई है, फिर दूसरी में छोटे छोटे पेज दिख रहे हैं। तो ये तो ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये वाला जो है मैच करेगा इस वाले पैटर्न से, ठीक है ना। ये मैच हो गए, ये मैच करने हैं आपको बच्चों। ये पिक्चर आपको बनानी है अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, और इस तरह से मैच कर देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे उन्हीं के आंसर यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। आंसर है, अ ब्रिक हैज़ 6 फेसेस। नेक्स्ट था, इज़ एनी फेस ऑफ अ ब्रिक इज़ अ स्क्वायर। नो, अ ब्रिक हैज़ नो स्क्वायर फेस। ब्रिक का कोई भी स्क्वायर फेस नहीं होता है। नंबर 4, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। ब्रिक का सबसे छोटा फेस ड्रॉ करना था, जो कि हमने वहाँ भी बताया था कौन सा करना है, यहाँ भी ड्रॉ हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिक्चर से हमको टिक लगाना था कि कौन सा ब्रिक का फेस हो सकता है। तो ये दो ये थे, इन पर टिक लगे, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू चिल्ड्रन।